दोस्तों ऊंचाई हमेशा से ही एक लीडर या एक विनर की पहचान रही है और इसी वजह से समय समय पे लोग बिल्डिंग्स का निर्माण करते आए हैं ताकि वो अपने आप को सबसे ताकतवर बता सकें और पूरी दुनिया में अपना स्टेटस बिल्ड कर सकें। इस समय पूरी दुनिया में बहुत सी ऊंची और गगनचुंबी इमारतें मौजूद हैं जो उनके देश की शान है और मॉडर्न डे इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। ये बिल्डिंग ना ही सिर्फ उस देश की तरक्की और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाती है, साथ ही साथ ये दुनिया भर के टूरिस्ट को भी अपने ओर आकर्षित करती है। बात की जाए हमारे देश भारत की तो हम भी इसमें पीछे नहीं। जी हाँ दोस्तों, साल 2018 में भारत के लौह पुरुष को समर्पित स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ जिसपे हर भारतीय को गर्व है। इस समय ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर यानी कि तकरीबन 600 फीट है। बट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया की 5 सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स के बारे में बताएंगे जिसने इंसान की आसमान में रहने की तमन्ना को पूरा कर दिया, जो बहुत ही ज्यादा अद्भुत और खूबसूरत है। और वीडियो के एंड में हम आपको फ्यूचर में आने वाली ऐसी ही बिल्डिंग्स के बारे में बताएंगे जिनकी ऊंचाई आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहना। और हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। आप देख रहे हैं थंडर्स अपडेट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया की पांचवी सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब लोटे वर्ल्ड टावर के नाम है। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया में स्थित इस टावर की ऊंचाई 556 मीटर यानी कि 1824 फीट है। इसमें टोटल 129 फ्लोर्स हैं। इसका निर्माण 2011 में शुरू हुआ और 5 साल बाद 2016 में इसे कंप्लीट कर लिया गया। इस बिल्डिंग में कई लग्जरी होटल्स एंड ऑफिसेज हैं। इसमें एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है जो 497 मीटर की ऊंचाई पे है। ये बिल्डिंग स्पेशल ग्लास से कवर्ड है जो इसे दिखने में एकदम खूबसूरत बनाती है। इसका यूनिक डिजाइन इसे 9 रिक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक को एब्जॉर्ब करने की स्ट्रेंथ देता है। इस बिल्डिंग की ओपनिंग के टाइम पे ऐसी सुंदर फायरवर्क्स और एलईडी लेजर शो का प्रदर्शन हुआ जिससे पूरी सियोल सिटी झूम उठी। दोस्तों पिंग एन इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर 599 मीटर यानी कि 1965 फीट ऊंचाई के साथ दुनिया की चौथी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये चाइना के शेंजेन सिटी में स्थित है जिसमें टोटल 120 फ्लोर्स हैं। इस स्काई स्क्रैपर का निर्माण 2010 में शुरू हुआ और 2017 तक इसको कंप्लीट कर लिया गया। ये चाइना की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। माना जाता है इसको बनाने में तकरीबन $1.5 बिलियन का खर्च आया। इसे ऑफिसेज और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इस बिल्डिंग में एक ऑब्जर्वेशन डेक भी मौजूद है जो कि 562 मीटर की ऊंचाई पे है जहां से पूरी शेंजेन सिटी का एक अमेजिंग पैनोरामिक व्यू मिलता है। इस्लाम की सबसे पाक जमीन मक्का में मौजूद है इस दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग अबराज अलबैत क्लॉक टावर जिसकी ऊंचाई 601 मीटर यानी कि 1972 फीट है। ये सऊदी अरब में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। इस टावर के टॉप पे लगा हुआ विशाल क्लॉक ही सिर्फ 46 मीटर का है जो इसकी शान बढ़ाता है। ये 7 इमारतों का ग्रुप है जिसमें लग्जरी रेजिडेंशियल होटल कॉम्प्लेक्स एंड म्यूजियम है। इसका कंस्ट्रक्शन 2004 में स्टार्ट होकर साल 2012 में कंप्लीट हुआ। इसे मक्का रॉयल क्लॉक टावर के नाम से भी जाना जाता है। और ये बस नाम से रॉयल नहीं दोस्तों, इस विशाल टावर के निर्माण में तकरीबन $15 बिलियन का खर्चा आया है जो इसे दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग बनाती है। दोस्तों शंघाई टावर 632 मीटर यानी कि 2074 फीट ऊंचाई के साथ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है जो कि चाइना के शंघाई सिटी में मौजूद है। इस बिल्डिंग में टोटल 133 फ्लोर्स हैं। इस बिल्डिंग का पूरा आउटर डिजाइन ट्विस्टेड ग्लास पैनल से बना हुआ है। इसका ट्विस्टेड डिजाइन इसे पूरी दुनिया से अलग करता है। इस डिजाइन के बदौलत ये बिल्डिंग इतनी ज्यादा ऊंचाई पे भी हैवी एयर फ्लो को इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। इसे ऑफिसेज, होटल्स, मॉल्स, गार्डन्स और ऑब्जर्वेशन डेक के लिए यूज किया जाता है। बता दें इस बिल्डिंग में दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक है जो कि इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। इसका निर्माण 2008 में शुरू होकर 2015 में कंप्लीट हुआ जिसकी लागत तकरीबन $2.5 बिलियन मानी जाती है। इस बिल्डिंग का एलिवेटर दुनिया के सबसे तेज एलिवेटर्स में से एक है जिसकी स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों यहाँ बात हो रही है स्पीड की, क्या आपको पता है इस दुनिया में फास्टेस्ट कार कौन सी है? इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था, टॉप 5 फास्टेस्ट कार, ऊपर आई बटन पे प्रेस करके वो वीडियो भी देख लीजिए। साल 2013 में इसे ग्रीनेस्ट बिल्डिंग का खिताब मिल चुका है क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से किया जाता है। इसमें लगे हुए ग्लासेस में सोलर पैनल लगे हुए हैं जो कि अपने आप ही काफी हद तक बिजली बना लेते हैं। दोस्तों दुनिया की सबसे बेहतरीन और शानदार कंट्री यूएई के दुबई में है इस दुनिया में खड़ी सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जिसकी हाइट तकरीबन 830 मीटर यानी कि 2720 फीट है।
जो इसे वर्ल्ड लीडर स्काईस्क्रैपर बनाती है। दोस्तों, इस बिल्डिंग के बनने से पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इंसान इतनी ऊंची बिल्डिंग भी बना सकता है, बट दुबई की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज ने इसे हकीकत में बदल दिया। इसी वजह से दुबई को सेंटर ऑफ इनोवेशन माना जाता है। इस अद्भुत बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन साल 2004 में स्टार्ट हुआ और 6 साल बाद 2010 में कंप्लीट हुआ। इसकी कंस्ट्रक्शन में तकरीबन $1.5 बिलियन लगे थे। बता दें, इस बिल्डिंग में 163 फ्लोर्स हैं, जिनका इस्तेमाल ऑफिसेज, रेजिडेंशियल स्पेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, साइट सीइंग ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। इसका डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ द्वारा किया गया है और इसको दुबई बेस्ड एमआर प्रॉपर्टीज कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया है। इतनी ज्यादा ऊंचाई होने के बदौलत आप इस बिल्डिंग से दो बारी सूरज ढलते हुए देख सकते हैं, है ना अद्भुत। बट दोस्तों, ये कॉम्पिटिशन यही खत्म नहीं हो जाता। टाइम के साथ साथ फ्यूचर में ऐसी बहुत सी बिल्डिंग बनने वाली हैं जिनके सामने बुर्ज खलीफा भी एक मामूली बिल्डिंग बन के रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे स्काई स्क्रैपर प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं जो आसमान छूने में पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दोस्तों, बात की जाए फ्यूचर की तो सबसे पहला नाम आता है दुबई क्रिक टावर का, जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसकी हाइट 928 मीटर होने वाली है। इसे बनाकर दुबई अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से भी 100 मीटर ऊपर होगी। ये एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। इस बिल्डिंग को केबल सपोर्ट के साथ बनाया जाएगा जो इसे इतनी ऊंचाई तक खड़े रहने की स्ट्रेंथ देगा। ये पूरा प्रोजेक्ट AI बेस्ड होगा जो इसे बहुत ज्यादा एडवांस बनाता है। इसमें कमर्शियल स्पेस, लग्जरी होटल्स, रिवॉल्विंग गार्डन्स, रिवॉल्विंग ऑब्जर्वेशन डेक्स होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ ठीक रहता है और ये टावर बन जाता है तो ये इंजीनियरिंग की दुनिया के लिए एक चमत्कार होगा। रिपोर्ट्स की माने तो ये बिल्डिंग 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देने के लिए सऊदी अरेबिया जेद्दा टावर का निर्माण कर रहा है। ये दुनिया की पहली ऐसी बिल्डिंग होने वाली है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर मतलब कि 1 किलोमीटर से भी ऊपर होगी। इसे बनाने के लिए $10 बिलियन की कॉस्ट लगेगी। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2013 में स्टार्ट हो चुका है और 2024 तक ये बनके तैयार हो जाएगी। इस बिल्डिंग का डिजाइन बुर्ज खलीफा को डिजाइन करने वाले मशहूर आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ ने ही किया है। रिपोर्ट्स की माने तो इसमें तकरीबन 252 फ्लोर्स होंगे, जिन्हें रेजिडेंशियल, ऑफिसेज, मॉल्स एंड होटल स्पेस के लिए यूज किया जाएगा। इतनी ज्यादा हाइट को एक्सपीरियंस करने के लिए इसमें एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन डेक भी होगा जो इसे पूरी दुनिया से अलग बनाएगा। तो दोस्तों, आखिर में बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट एक्सीड के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, जापान एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया से 4 कदम आगे चलता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में जापान ही इस कॉम्पिटिशन में नंबर 1 बनेगा। हम बात कर रहे हैं इनके फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट एक्सीड के बारे में। रिपोर्ट्स की माने तो ये बिल्डिंग की ऊंचाई 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर होने वाली है, मतलब बुर्ज खलीफा से भी 5 गुना ज्यादा बड़ी। दोस्तों, जहां बात हो रही है जापान की, हमने जापानीज लॉन्ग लाइफ सीक्रेट्स पे भी एक वीडियो बनाया था। ऊपर आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को भी देख लें। दोस्तों, जापान इस विशाल बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार कर चुका है। इतनी ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से टॉप फ्लोर पे मौजूद लोगों को और निचले फ्लोर पे मौजूद लोगों को अलग अलग मौसम का एहसास होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे बारिश हो रही है और निचले फ्लोर्स पे धूप निकली हुई है। बट इस बिल्डिंग को हमारी नेक्स्ट जनरेशन ही देख पाएगी क्योंकि इसका निर्माण 2030 में स्टार्ट होगा। आपका इन बिल्डिंग्स के बारे में क्या ओपिनियन है और क्या आप चाहते हैं कि इंडिया में भी ऐसी बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाए? प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो इट्स अ रैप फॉर नाउ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस वॉज थंडरस अपडेट साइनिंग ऑफ।